इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों बिग बाजार की डील रिलायंस ने खारिज कर दी, क्यों 24,713 करोड़ का डील मुकेश अंबानी ने कैंसिल कर दिया और क्या है कुल मसला। मसला कुल ये है कि रिलायंस ने 835 स्टोरों पर अपना हैंडओवर किया है और 112 लाइफस्टाइल स्टोरों को टेकओवर रिलायंस के डील में हुआ था, जिसमें 17,000 करोड़ का डेब्ट था। अब ये क्या हुआ है कि इन्होंने कि जो इनकी डील थी वो 24,713 करोड़ में हुई थी, उस डील को खारिज कर दिया। बोला कि भैया कोई डील वील नहीं है, सब डील कैंसिल, रद्द करो, हटाओ, टाटा बाय बाय कर दो। तो चूँकि हुआ क्या है कि ऑलरेडी देखिए रिलायंस ने इनके स्टोरों पे तो कब्जा कर लिया है और वो नए स्मार्ट बाज़ार के नाम से उसको लॉन्च भी कर रहे हैं। नया स्मार्ट बाज़ार के नाम से दे सकते हैं, स्टोर आएगा और आ भी रहा है, कुछ स्टोर खुल गए हैं और आने वाले अगले महीने में 100% स्टोर खुल जाएंगे जो इनके 835 स्टोर इन्होंने लिए हैं। अब बिग बाज़ार के पास क्या बचा? बिग बाज़ार के पास तो कुछ नहीं बचा, बिग बाज़ार के पास सिर्फ 35 बिग बाज़ार के स्टोर बचे हैं, फ्यूचर ग्रुप के बिग बाज़ार के 35 स्टोर और 250 कुल स्टोर इन्होंने दिए हैं, जिसमें हेरिटेज, इजी डे वगैरह के भी स्टोर होंगे। तो बिग बाज़ार के पास कुल 250 स्टोर बचे हैं, जिसमें 35 बिग बाज़ार के स्टोर हैं फ्यूचर ग्रुप के पास। जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे बिग बाज़ार के, उन्होंने इस डील के खिलाफ 70% वोट किया, वहीं बिल के फेवर में मात्र 30% वोट मिला है। तो आप देख सकते हैं, अभी आप पूछेंगे कि ये सिक्योर क्रेडिटर्स कौन है, तो सिक्योर क्रेडिटर्स जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीआई बैंक, ये सब इनके सिक्योर क्रेडिटर्स थे जिन्होंने इनको उधार दिया था कर्जा। तो आप ये इससे देख सकते हैं कि कितने बुरे कंडीशन में अभी बिग बाज़ार फंस चुकी है। और अभी की डेट में तो मतलब यही है कि जो रिलायंस स्मार्ट बाज़ार है वो खुलने जा रहा है और जल्द ही आपको सभी स्टोरें उसके ऑपरेशंस में मिलेंगे। जो 325 स्टोरें हैं रिलायंस के वो खुल जाएंगे और 112 लाइफ स्टाइल के भी स्टोरें खुलेंगी वहीं पे, जिसके अगेंस्ट इन्होंने डील किया था। और अभी क्या है कि डील के तो हुई नहीं है लेकिन फिर भी ये स्टोरें खुलेंगी। तो यही देखने का मंजर है कि आज के समय में कि मतलब ये कैसे संभव हो सकता है कि एक डील कैंसिल हो उसके बाद भी इनके स्टोरों को कैसे ज़बरदस्ती हथियार लिया गया है और कैसे स्टोरों को खोला जा रहा है। तो ये सब देखने के लिए बातें हैं और सोचने की बातें हैं कि आज के डेट में जिसके पास पैसा है वो पावरफुल। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।